क्या मतलब चेंजेस लाऊं मैं डेली रूटीन के लोग अपने भी डालूं ताकि चैनल ग्रो करे और चैनल का जो मकसद है बनाने का मेरा वो भी पूरा हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपने जितने व्यूज़ हैं, व्यूअर हैं मेरे देखने वाले चाहने वाले, उनको मैं ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, और जिन्होंने नहीं की अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। वैसे बंदा दिल से अगर इरादा भी कर ले ना तो अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाह ताला को सब का पता है, आपको मालूम है अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। चाहे आप हज पे जाएं ना जाएं, लेकिन दिल में एक तड़प होती है हर इंसान की और ख़ासकर मुसलमानों की। तो चैनल का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो मैं, काश पहले तो मैं बता देता तो अच्छा होता, तो मैं आज बता रहा हूँ ईद की मुनासिबत से। तो मैंने सोचा चले इस दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कर लूँगा। शायद अभी मेरी आवाज़ आपको चेक सही से आ रही होगी या नहीं। बाहर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो चैनल में ये बनाया हुआ है इस पे जो इनकम इंशाल्लाह आना शुरू होगी, अभी आई नहीं है, ठीक है ना। अभी WT टाइम वॉच बहुत बाकी है, टाइम लगेगा थोड़ा चैनल में। तो वो मैं गरीब गुरबा हो गए, यतीम या बेवा औरतें हो गई, उनके लिए इंशाल्लाह ये जो इनकम आएगी उन पर मैं शेयर करूँगा वीडियो बना के उनकी हेल्प करने के लिए। तो एक नेकी का काम बाहर। इसके साथ साथ चूँकि मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ, तो जितने मेरे पेशावर के दोस्त हैं या जहाँ से भी आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से आप बाहर हैं, किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, उर्दू बोलने वाले समझने वाले, तो जो जिन जिनको भी ये वीडियो पसंद आती है लाइक कर सकते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला आपको भी इसमें जो है इसका अजर देगा। दूसरी बात यह है कि काफ़ी मेरे दोस्त मेहरबान हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी वीडियो लोग डेली रूटीन की भी शेयर किया करें। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि नातों के अलावा जो है मैं इसमें डेली भी लोग चैनल इसमें वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। तो पहले तो आपने मुझे ये बात लाजमी बतानी है। अब वीडियो थोड़ी सी ये लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आपने स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो पढ़नी है, सुननी है, देखनी है। असल में मसला ये होता है कि बाज़ दोस्त जो है वो वीडियो सामने आती है तो वो रिमूव कर लेते हैं, स्किप करते हैं। अच्छा चलें, अब ऐसा है कि आपने मुझे ये बताना है कि व्लॉग का चैनल में अपलोड किया करूँ वीडियो अपनी या ना करूँ। बहरहाल कोशिश तो मेरी यही है, इरादा है कि चैनल को जो है ग्रो करने के लिए अभी मुझे कुछ डेली रूटीन के व्लॉग भी नातों के साथ साथ अपलोड करना पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि काफ़ी अर्सा हो गया आप लोगों से मैंने भी बातें भी शेयर नहीं की। ईद का मौका था तो मैंने कहा चलो ईद की मुनासिबत से भी एक वीडियो मैं अपनी अपलोड कर लेता हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए। आपकी कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। अगर शायद आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि पंखा लगा हुआ है, गर्मी है, आजकल गर्मियों का मौसम है। तो बहुत से लोगों के चैनल हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं मुख्तलिफ, हर इंसान का अपना एक एम होता है, एक मकसद होता है। तो प्लीज़ आप मुझे लाजमी बताना। तो जितने उर्दू बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो उनसे मैं प्लीज़ गुजारिश करूँगा कि वो वीडियो पूरी देखकर सुने, उसे देखें और मुझे उसकी अपनी राय से जो है आपने अदा करना है और दुआ करनी है। आप सब ने अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे कि चैनल जितनी जल्दी मोनेटाइज हो जाए तो उतना ही अच्छा होगा, ताकि गरीबों के लिए भी मैं कुछ कर सकूं। कोशिश तो अपनी यही है इंशाल्लाह, और जब नियत साफ़ हो तो अल्लाह ताला भी जो है वो मदद करने वाला है, करता है इंसान की। दूसरी बात यह है कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आप नियत पक्की होनी चाहिए। कोई भी आप काम करें ज़िंदगी का आपका, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़िंदगी दी है इसका अपना कोई मकसद होता है, तो आपने वो मकसद अचीव करना है। चाहे कोई भी मैदान हो, फील्ड हो आपकी, जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं आप वो जो है पूरी कर सकते हैं अपनी। लेकिन इसमें ये मुस्तकिल मिजाजी जो है ये कंटिन्यू जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी से आपने काम करना होगा। पहले तो आपने टारगेट सेलेक्ट करना है कि भाई ये मेरा एम ऑफ लाइफ है, मेरी ज़िंदगी का मकसद।
इसके बाद जो है फिर आप आगे चल के जो है उस मकसद को कामयाब करने स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला भी बरकत देता है, मदद देता है, करता है अल्लाह ताला। और कोशिश करने से ही अल्लाह ताला जो है इंसान अपने अल्लाह तक पहुंच पाता है, अल्लाह को जान सकता है, अल्लाह की नेचुरल कुदरती चीज़ों को देख कर अल्लाह को पहचाना जा सकता है। तो कोशिश तो मेरी यही है कि चैनल में मैं अभी बहुत सी वीडियो भी मैं अपलोड करूँ डेली रूटीन व्लॉग की, इंशाल्लाह आपको शेयर भी होगा। मेरा गांव है उसके बारे में भी मैं रोज़ाना अभी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी राह से ज़रूर आगाह करना। तो बस ये कुछ बातें थी आपसे डिस्कस करनी थी, तो अभी चलता हूँ मैं इंशाल्लाह। तो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आप तो देखना, और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, अल्लाह ताला उन मुसाफरों के भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे और खैर खैरियत से अपने वतन वापस लेकर आए। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।